नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को नया सीएजी घोषित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि की जगह लेंगे। महर्षि 1978 बैच के राजस्थान कॉडर के आईएएस अधिकारी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कॉडर के आईएएस ऑफिसर हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुना गया था। मुर्मू जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं। जानकारों की माने तो मुर्मू को कश्मीर से हटाने की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि कुछ मोर्चों पर जीसी मुर्मू और चुनाव आयोग के बीच विवाद चल रहा था, जिसको लेकर खासी नाराजगी सामने आई थी। बता दें कि जीसी मुर्मू का कार्यकाल करीब 8 महीने का रहा है। बुधवार को उन्होंने इस्तीफा दिया, गुरुवार को वो दिल्ली पहुंचे। जीसी मुर्मू का इस्तीफा तब आया जब जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटे एक साल पूरा हुआ है। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने यहां से धारा 370 हटाने का फैसला लिया था। दरअसल सरकार की ओर से मार्च 2020 में एक कमीशन बनाया गया, जिसका काम परिसीमन की नई राहें तलाशना था। नियम के मुताबिक लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के लिए कमीशन की राय मानी जाएगी, लेकिन चुनाव कब होंगे इसकी सीमा चुनाव आयोग ही तय करेगा। इस दौरान जीसी मुर्मू की ओर से बतौर उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए कई तरह के बयान दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव परिसीमन के बाद ही होंगे। उन्होंने इस बयान को 2 से 3 बार दोहराया, लेकिन जवाब में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि चुनाव कब होंगे ये सिर्फ चुनाव आयोग ही तय कर सकता है। ऐसे में इस तरह के बयानों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसी वाक्य को लेकर चुनाव आयोग और जीसी मुर्मू में तनाव था। इसके अलावा जीसी मुर्मू और चीफ सेक्रेटरी के बीच भी कई मसलों को लेकर तनाव की खबर थी। वरिष्ठ आईएएस गिरीश चंद्र मुर्मू वित्त ने इस साल के शुरुआत में वित्त विभाग में व्यय विभाग के सचिव का पद संभाला था, जबकि उनके नाम का ऐलान साल 2018 नवंबर में ही हो गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू उड़ीसा के सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से परा स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एमबीए की पढ़ाई की। प्रधानमंत्री के पसंदीदा आईएएस अफसरों में शुमार किए जाने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू उस समय चर्चा में आए जब सरकार का खजाना खाली हो गया था और सरकार के सामने पैसों की कमी दूर करने का संकट बना हुआ था। तो जुलाई 2018 में उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, तब उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र के लिए ज्यादा राजस्व जुटाने की बात की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।